एंटरटेनमेंट तड़का में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिनका पिक्चर डायरेक्शन करने का तरीका ही कुछ और है, जो अपने तरीके से पिक्चर बनाते हैं और उन्होंने इंडियन सिनेमा को काफ़ी सारी हिट्स दी हैं। आइए आज हम उनसे बात करेंगे उनकी अपकमिंग पिक्चर के बारे में, जिसका नाम है गोडसे, जो कि महात्मा गांधी की जिंदगी से प्रेरित है। तो आइए मिलते हैं सुनील प्रभाकर जी से। सर, पहले आप हमें ये बताइए कि किस तरह की स्ट्रगल किया आपने इंडस्ट्री के अंदर। स्ट्रगल तो देखो आदमी ज़िंदगी के हर मोड़ पे करता है, चाहे वो इंडस्ट्री से जुड़े हो या किसी भी इंडस्ट्री से जुड़े। तो स्ट्रगल जो होती है वो आदमी को एक निखार के सामने लेके आती है। संघर्ष मीन्स कि आप सोने को तपा रहे हो, और हर आदमी के लिए संघर्ष बहुत ज़रूरी है। और वैसे मैंने भी संघर्ष किया है। मैं 18 साल की एज से इस फील्ड में आया हूँ, और एज ए मॉडल आया था मॉडलिंग की। उसके बाद मैं रेडियो स्टेशन से जुड़ा, फिर मैं अपना टीवी से जुड़ा, टीवी के बाद थिएटर में एज ए एक्टर जुड़ा, फिर एज ए डायरेक्टर काम किया, फिर एज ए राइटर सीरियल लिखे कुछ। और एक मेरा सीरियल आया था शिकंजा, जो उस वक्त टॉप 10 की रेटिंग में सेकंड नंबर पे आया था। आई वॉज अ राइटर ऑफ दैट, शायद 98 में आया था या 99 में, वो टॉप 10 में सेकंड नंबर पे आया था रिटर्न वाइज। उसके बाद मेरी फिल्म आई थी नाखून एज ए राइटर। तो फिर ऐसे दौर चलता रहा, सीरियल किए, सीरियल के बाद फिर मैं अपना एल्बम्स किए, मैंने एल्बम का दौर आया, एल्बम किए जिनमें वर्ल्ड कप 99 अपने टाइम पे काफ़ी फेमस रहा। अभी रिसेंटली मेरा एल्बम आया साईं की रहमत, उसके भी गाने काफ़ी लोग लाइक कर रहे हैं। बेसिकली आई एम फ्रॉम दिल्ली, और मैं दिल्ली से फिर बॉम्बे आ गया, जैसा हर आदमी का सपना होता है। कुछ लोगों ने यहाँ बुलाया, और यहाँ काफ़ी लोगों ने अच्छी रिस्पेक्ट की मेरी। जैसा मुझे सब्जेक्ट चाहिए था, उन सब्जेक्ट पर मुझे काम करने के लिए लोगों ने प्रेरित किया, और चल रहा है। सर, एक फिल्म को अच्छी फिल्म होने के लिए क्या जरूरी है, सब्जेक्ट, स्टार कास्ट, म्यूजिक? देखो ऐसा है, बेस जो है वो सब्जेक्ट है। अगर आपका सब्जेक्ट अच्छा है और उस सब्जेक्ट पे स्क्रीन प्ले आपने अच्छा बनाया, डायलॉग्स आपके अच्छे हैं, उस सब्जेक्ट को अगर आप प्रॉपर जस्टिफाइज कर रहे हैं, तो म्यूजिक जो है अकॉर्डिंग सब्जेक्ट आएगा। अच्छा सब्जेक्ट किसी स्टार का मोहताज नहीं होता, सब्जेक्ट खुद स्टार होता है। आप सब्जेक्ट को स्टार मान के चलिए ना। लोग स्टार के मोहताज क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास सब्जेक्ट नहीं होते। वो कहते हैं ये स्टार मेरी फिल्म खींच के ले जाए। अगर सब्जेक्ट अच्छा होगा, ऐसी बात नहीं, हमारे यहाँ बड़े बड़े अच्छे सब्जेक्ट आए हैं जिनमें अननोन लोगों ने काम किया है। अभी आपकी ये फिल्म आई आशिकी 2, लोगों ने पसंद की। उसके बाद पान सिंह तोमर आई है, भाग मिल्खा भाग आई है। आप भाग मिल्खा भाग देखिए, जाके सब्जेक्ट देखिए, उसको वो देखिए, आप उसका पकड़ देखिए सब्जेक्ट। अभी फिल्में सर 200-200 करोड़ की बिजनेस कर रही है, तो किस हिसाब से डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को उसके लिए प्लान करना चाहिए? देखो ऐसा है, 200 करोड़ की फिल्म हो या 400 करोड़ की, 200 करोड़ की फिल्म जो बनती है उसमें से 60% जो पैसा है वो स्टार पर चला जाता है, तो फिल्म के सब्जेक्ट को क्या मिला? बाकी ये जैसा चल रहा है, लोग आजकल एक फिल्म को बिजनेस का माध्यम लेके चल रहे हैं कि हम 100 करोड़ लगाएंगे तो हमें 200 करोड़ आना चाहिए, हम 400 लगाएंगे तो उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार। आपकी जो फिल्म आने वाली जो है, फिल्म है गोडसे, उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएंगे? नहीं, गोडसे के बारे में तो मैं इतना ही कहूँगा कि जब तक पर्दे पर नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं कह सकता। दिस इज अ बायोग्राफी ऑफ गोडसे, और जिसका एंड जो है वो महात्मा गांधी के मर्डर से हुआ। हमने कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं डाली जिससे कंट्रोवर्सी हो या कोई ऐसी भावना किसी की बढ़ के, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हमने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर को, जो उन्होंने इस पर बैन हटाया है, जो महात्मा गांधी को क्यों मारा गया, व्हाट वाज द रीज़न, जो गोडसे के बयान थे जिस पर बैन हटाया, हमने उसी बयान के आधार पर इस फिल्म को ताना बाना बनाया। गोडसे के अलावा आने वाली और कौन कौन सी फिल्में हैं? मेरी फिल्म एहसास है, जिसका ऑलरेडी म्यूजिक जो है उसका होमवर्क हम लोग कर रहे हैं।
आपने स्टार्टिंग से थिएटर में काम किया, आपने एज अ लिरिक्स राइटर काम किया, एज अ एक्टर आपने काम किया, एज अ डायरेक्टर काम किया, एज अ राइटर, तो किस तरह का वेरिएशन है सर इन चीज़ों में? जैसे आप बस में सफ़र करते हैं उसकी जर्नी का अपना मजा है, ट्रेन की जर्नी का अपना, प्लेन की जर्नी का अपना, शिप की जर्नी का अपना। उसके कुछ एडवांटेज मिले अभी प्रैक्टिकली जब आप कोई फिल्म करने के लिए जाते हैं तो? कि आपको एक्टिंग का भी नॉलेज है, आपको लाइट का भी नॉलेज है, तो वहाँ पे अगर टेक्निकली लोग अगर कुछ गलतियाँ करते हैं तो आप उनको सजेशन देते हैं? वो मेरे दिमाग पे छाया हुआ कि मुझे कहाँ कैसी लाइट चाहिए, अगर मुझे उसकी नॉलेज ही नहीं है तो मैं आगे वाले को कैसे डायरेक्शन दूंगा? आप दर्शकों को क्या मैसेज देंगे इंटरटेनमेंट तरह के माध्यम से? नहीं, मेरा दर्शकों को तो मैसेज यही है कि जो भी फिल्म आप देखें सब्जेक्ट वाइज अच्छी हो और परिवार के साथ बैठ के देख सकें, ऐसा ना हो कि कॉर्नर सीट पे बैठ के फिल्म देखें, तो ऐसी फिल्म को अवॉइड करें। और फिल्म में सब्जेक्ट जान होता है और ऐसे मैसेजेबल सब्जेक्ट लो आप जो आपको अच्छे लगे। आजकल कुछ एक ऐसी फिल्में आ रही है जहाँ पे ड्यूअल मीनिंग बोली जाती है, डायलॉग्स उनके कुछ वैसे होते हैं कि आप फैमिली के साथ में नहीं देख पाते, फिर भी वो फिल्म अच्छा खासा बिजनेस करती है, उसके बारे में आपका क्या मानना है? मैंने अभी आपको इससे पहले एक बात बताई थी कि फिल्म बिजनेस हो चुकी है, इसमें जो आपको एज ए डायरेक्टर या एज एक्टर जो आपको काम करना चाहिए, जो आपका उत्तरदायित्व है, आप उससे मुंह मोड़ जाते हैं, आप सिर्फ मनी माइंडेड होकर फिल्म कर रहे हो कि आपको किस सब्जेक्ट से ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं, क्या करने से मुझे पैसा मिल सकता है। 70% हमारे इंडिया में यूथ है और यूथ फिल्म को आगे बढ़ाता है और यूथ को आप जिस मर्जी रास्ते पर ले जाओ,